हाय गाइस, वेलकम बैक टू रैंक मोटर्स। तो भाई आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, महिंद्रा थार और ह्यूंडई क्रेटा के बीच में ड्रैग रेस की। तो क्रेटा की बात करें तो आपको पता ही होगा ये हमारी पेट्रोल में है और थार हमारी डीजल में है। 4x4 है ये हमारा 2000cc वाला इंजन है। 2.2 जो आता है एमओ का महिंद्रा वाला, ये आपका 1.5 वाला नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें बैजिंग भी है यहाँ पे साइड में, ये आप देख सकते हैं 4x4। तो ये हमारी 2.2 है, ये जनरेट करती है 130 bhp और क्रेटा हमारी जनरेट करती है 113 bhp। लेकिन टॉर्क का इन दोनों में बहुत फ़र्क है। टॉर्क इसमें 153 Nm का आता है, इसमें 300 Nm का आता है। तो टॉर्क का तो बिल्कुल डबल का फ़र्क है, क्योंकि ये पेट्रोल है ये डीजल है। bhp में हालांकि थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अब इन दोनों की भाई ड्रैग रेस रहने वाली है। आप हमारा रोड देख सकते हैं, बिल्कुल बंद रोड है, इस पर कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है भाई। तो अब हम अपनी ड्रैग रेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपना पहला राउंड स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्रेटा ही चलाऊंगा, उसके बाद फिर हम ड्राइवर इंटरचेंज भी करके देखेंगे। बाकी आगे जहाँ तक क्लियर रहेगा वहाँ तक हम अपनी ड्रैग रेस को पूरा कंप्लीट रखने वाले हैं। तो भाई हमारी देख सकते हैं आप, थार भी रेडी है और हमारी क्रेटा भी रेडी है। AC भाई हमारा ऑफ रहेगा। तो भाई आप एक्सेलरेशन में देख सकते हैं हमारी थार से आगे निकल चुकी है क्रेटा, अभी भी हमारी आ गई है भाई इससे थार से। तो भाई यही थी हमारी ड्रैग रेस, आगे थोड़ा सा पैच आ गया है थोड़ा खराब। तो और बाकी आप देख सकते हैं थार हमारी पीछे रही है। तो हम यहीं से दोबारा एक बार इसे राउंड 2 भी कर लेते हैं। तो भाई एक्सेलरेशन में तो काफी बढ़िया क्रेटा। AC हमारा ऑफ था, मैं एक भाई को भी बोल देता हूँ AC ऑफ करने के लिए, शायद उनका AC ऑफ ना हो, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अब यहाँ से राउंड 2 कर लेंगे हम। तो अब कर रहे भाई अपना राउंड 2 स्टार्ट। उन भाई का पहले ना AC ऑन था, अब मैंने उनका AC ऑफ करवा दिया, तो हमारा भी AC ऑफ है। भाई निकल गई थार से अपनी आगे, ये आप देख सकते हैं। तो भाई ये वाला राउंड भी थार हमारा हार गई। तो इस ड्रैग रेस के भाई हमारे विनर है ह्यूंडई क्रेटा पेट्रोल, डीजल वाली थार भाई हार गई इसे, क्योंकि भाई उसमें ना वेट का बड़ा फर्क है। इसमें 1100-1200 किलो वेट है मुश्किल से, और उसकी वेट की बात करें तो उसमें 1700-1800 किलो वेट है, जो कार का नॉर्मल वेट है विदाउट पैसेंजर वगैरह। तो वेट के कारण भाई उसकी पावर है ना थोड़ी कम पड़ती है, और वैसे भी वो कार है ना कैपेबल भाई ऑफ रोडिंग के लिए बहुत है, एक्सेलरेशन वगैरह के लिए थोड़ी कम कैपेबल है, थोड़ी ज़्यादा नहीं बता रहा मैं, थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है, हालांकि ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहता, 1-2 गाड़ी का ज़्यादा डिफरेंस था, और बाकी इनमें कोई खास ऐसा डिफरेंस रहा नहीं है। 120-130 तक हमने इनकी पूरी प्रॉपर ड्रैग रेस करी है। भाई मैं आ गया हूँ थार के अंदर, आप देख सकते हैं। तो मैं थार ड्राइव करूंगा, दूसरे वाले भाई हमारी क्रेटा पेट्रोल ड्राइव करेंगे। तो अब देखते हैं इनका ड्रैग रेस का कैसे क्या कुछ रहता है। भाई इसका स्टीयरिंग बाकी काफ़ी हैवी है, बहुत हार्ड है स्टीयरिंग, सही में क्रेटा के मुकाबले बात करूं तो काफ़ी हार्ड है। और भाई इनकी वो देखेंगे ना हाइट तो काफ़ी ज़्यादा। तो अब तीन थर्ड ओरन पे शुरू करेंगे हम। तो ये भाई हमारा राउंड 3, हमने ड्राइव में कार डाल ली हमारी, आप देख सकते हैं। भाई इसका पार्किंग ब्रेकिंग नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा राउंड दोबारा करना पड़ेगा। ये क्रेटा आप देख सकते हैं हमारी वाकई आगे जा रही है। तो भाई इस राउंड की भी विनर हमारी क्रेटा ही है। एक्सेलरेशन भाई उसका बहुत बढ़िया है, उसका एक्सेलरेशन क्रेटा पेट्रोल का बहुत बढ़िया है, वो 60-70 तक है ना बहुत बढ़िया उठती है। तो भाई लास्ट राउंड कर लेते हैं हमारा फोर्थ राउंड। तो भाई हमारे फोर्थ राउंड होने वाला है, तो फोर्थ राउंड को अपने स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस बार ही हमारी क्रेटा रहेगी पीछे, उन भाई से थोड़ी बहुत लॉन्च होने में दिक्कत होगी है।
इसमें भाई बाकी शीशे इसके पूरे चढ़े हुए हैं, लेकिन हवा कार के अंदर बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा हवा आ रही है कार के अंदर। तो इस राउंड की विनर भाई हमारी थार है, क्योंकि उन भाई से लॉन्च होने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, गियर मिसमैच हो गए थे, क्योंकि वो ज्यादातर है ना ऑटोमेटिक ड्राइव करते हैं, तो इसलिए मैनुअल में उनसे थोड़ी बहुत गियर का मिसमैच हो गया। उन्होंने पहले ही बताया था कि हो सकता है, चांसेस हैं। तो भाई यही थी, तो ये हमारा भाई फोर्थ राउंड था, और फोर्थ राउंड की हमारी विनर रही है महिंद्रा थार। तो भाई इसका है ना बाकी 80-90 के बाद है ना सही उठती है ये, उस तक है ना 80-90 तक ही क्रेटा हमारी बढ़िया भागती है, उसके बाद ये भी बहुत बढ़िया भागती है, एक्सेलरेशन बढ़िया पकड़ लेती है, उसके बाद ये सही जाती है, लेकिन उससे पहले भाई क्रेटा काफी आगे निकल जाती है, तो वही बस दिक्कत आती है इसमें। तो हमारी ड्रैग रेस कभी भी थार डीजल और क्रेटा पेट्रोल की होगी तो हमारी क्रेटा पेट्रोल ही इसकी विनर रहेगी। तो ये थी भाई एक वीडियो हमारी महिंद्रा थार और ह्यूंडई क्रेटा के बीच में ड्रैग रेस की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।